मरती है अभी। देखिए ऋषि भाई, मेरी और आपकी बल्कि पूरे आलम की अल्लाह ताला ने अपने पूरे पूरे दीन में रखी, इसी दीन के सिलसिले में मस्जिद में जमा। वो ऑफिस आ गया। जी जी चले। जी जी चले चले फाद भाई, बिस्मिल्लाह। जी भाई फरमाइए। देखिए दुनिया का काम तो चलता रहेगा, लेकिन अगर साथ दीन की खिदमत भी हो जाए तो कितना मजा आ जाएगा। मेरी और आपकी बल्कि पूरे आलम की कामयाबी अल्लाह ताला ने। एक मिनट, वो मुझे याद आया बॉस को मेल करने की, कर लो। जी जी बॉस को मेल कर। बॉस की आईडी क्या थी? हाँ हो गई मेल भाई। आप कुछ बोल रहे थे? जी देखिए, दुनिया की जिंदगी तो आरजी है, लेकिन आखिरत की जिंदगी दायमी है। मेरी और आपकी बल्कि पूरे आलम की कामयाबी अल्लाह ताला ने अपने पूरे। अरे आप लोग काफी देर से बैठे हैं, मैंने चाय पानी के लिए पूछा। ठंडा लेंगे या गरम? देखिए ठंडे गरम को छोड़िए, आप मेरी बात सुनिए। मेरी और आपकी बल्कि पूरे आलम की कामयाबी अल्लाह ताला ने अपने पूरे पूरे दीन में रखी, इसी दीन के सिलसिले में। ओ बॉस का रिप्लाई आ गया, देख लो। जी जी देख लीजिए। शुक्रिया। बॉस को रिप्लाई कर रहे हैं। बहुत गुस्से में भाई, बहुत। जी जी हो गया। जी आप क्या बोल रहे थे? देखिए अब एक लफ्ज आपके मुंह से निकलना नहीं चाहिए, उंगली रखे मुंह पे। मैं आपको कब से कह रहा हूं, देखिए मेरी और आपकी बल्कि पूरे आलम की कामयाबी अल्लाह ताला ने अपने पूरे पूरे दीन में रखी है, इसी दीन के सिलसिले में मस्जिद में जमात आई हुई है। चलें तो बहुत फायदा होगा, लेकिन आप टोपियों पे टोपियां करा रहे हैं। ये आप गेम खेलने कब से बैठ के और कह रहे हैं कि बॉस की मेल आई है, बॉस को रिप्लाई करना है। पाद भाई उठाइए और लेके चलिए इनको। आप लोग खामोश क्यों हो गए? आप लोग कुछ बोल लेते। जी जी मैं फरमा रहा था कि मेरी और आपकी बल्कि पूरे आलम की कामयाबी अल्लाह ताला ने अपने पूरे पूरे दीन में रखी है, इसी दीन के सिलसिले में मस्जिद में जमात आई हुई है। अगर ओ हो 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 उफ जी, अब क्या हुआ आपको? मेरे पेट में बहुत गड़बड़ हो रही है। ओहो ये तो बहुत बड़ा मसला हो गया। मैं वॉशरूम से होकर आता हूँ। एक मिनट फहद भाई जाइए। क्या मतलब है? जी मेरे साथ जाएंगे? जी जी ये आपके साथ तो जाएंगे, लेकिन अंदर नहीं जाएंगे, ये बाहर खड़े होकर आपका इंतजार करेंगे। आप अपनी कजाए हाजत से सुकून से फारिग हो जाइए। फहद भाई जाइए। لمن تقرب مننا حاجة غريبة بتحصل أشعر بالحب والهنا امتى اللقاء امتى ما تقول مني قرب ليه انت بتهوى البعد جرب جرب حبي جرب هو الاصلي مش لعب قرب يا ابو العيون بعدك لا ما يهون اجيب لك نجوم الكون. اب تو باس کو میل بھی کر دی، ان کا ریپلائی بھی آ گیا، اور آپ قضاء حاجت سے فارغ بھی ہو گئے۔ میرے خیال سے اب کوئی تقاضا باقی نہیں رہا، तो अब मस्जिद चले। चलते हैं मस्जिद। ओह जी अब क्या हुआ भाई? मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। ये तो कोई मसले की बात नहीं है फहद भाई। जींगे जींगे साज मियाओ दो हस बलाई शिरोस मियाओ। जींगे जींगे साज मियाओ दो हस बलाई शिरोस मियाओ। चोस दे दुम मतन मखुल नुम जदेत बरनोस मियाओ। یار مبارک بادا ایشالا مبارک بادا یار مبارک بادا ایشالا مبارک بادا یار مبارک بادا ایشالا مبارک بادا یار مبارک بادا۔ جی کچھ افاقہ ہوا؟ جی بہتر ہے کافی۔ تو اب مسجد چلیں؟ مسجد جانا ہے نا؟ جی چلیں۔ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भाई का? मेरा नाम अनस है। अनस, माशाल्लाह बहुत अच्छा नाम है माशाल्लाह से। क्या मसरूफियात हैं आजकल? मैं आजकल फारिग हूँ तो घर पे बैठा हूँ, ऑफिस की छुट्टी है। फारिग है माशाल्लाह, माशाल्लाह फारिग है, ये तो बहुत अच्छी बात है। देखिए बात दरअसल ये है कि मस्जिद में हमारी जमात आई हुई है, तो आप अगर हमारे साथ मस्जिद चले तो आपको बहुत फायदा होगा। ओ, ऑफिस जाना था, अभी बॉस की अर्जेंट कॉल आई है, मीटिंग है। देखिए अनस भाई, बुरा मत मानिएगा, लंबी नहीं करें। देखिए आगे का हमें पता है। आगे का आपको कैसे पता? देखिए सबसे पहले आप ऑफिस जाना चाहेंगे, लेकिन हम भी आपके साथ ऑफिस जाएंगे, तो जब हम गाड़ी में सफर कर रहे होंगे तो बहुत सारे मसले मसाइल होंगे, जिसकी वजह से मैं अपनी बात मुकम्मल नहीं कर पाऊंगा। बिल आखिर हम ऑफिस पहुंच जाएंगे। ऑफिस पहुंचने के बाद आपके पेट में गड़बड़ हो जाएगी, फिर आपको वॉशरूम जाना पड़ेगा। वॉशरूम से फारिग होने के बाद अचानक से आपके सर में दर्द हो जाएगा, फिर हम आपकी मालिश करेंगे, आखिरकार आपको मस्जिद जाना पड़ेगा। तो अनस भाई, इट्स डिपेंड ऑन यू कि आपको लॉन्ग डिस्टेंस पसंद है या शॉर्ट डिस्टेंस पसंद है। आई थिंक शॉर्ट डिस्टेंस इज बेटर। शॉर्ट डिस्टेंस इज बेटर, काफ़ी समझदार है फहद भाई। आप इनको मस्जिद लेके जाइए, मैं कुछ इख्तितामी बातें कर देता हूँ। देखिए आपके घर भी तबलीगी जमात वाले आते होंगे और अच्छी अच्छी बातें करते होंगे, लेकिन आपको उनको टोपी नहीं करानी, बल्कि उनकी बात सुननी है और उनकी नसीहत पर अमल करना है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलते हैं, अल्लाह हाफिज़।